जांजगीर जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन घोषित किया है, जिसको देखते हुए चापा एसडीएम डॉक्टर सुभाष राज ने नगर के चौक चौराहों पर बैरिकेटिंग कर कर्मचारियों को तैनात कर सख्त हिदायत दिया है कि अनावश्यक से घूमने वाले लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करें। कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसमें चांपा एसडीएम डॉक्टर सुभाष राज की बड़ी सजगता नजर आ रही है। नगर के चौक चौराहे पर बैरिकेडिंग कर कर्मचारियों को तैनात कर सख्त हिदायत दिया गया है। बैरिकेडिंग से पार करते समय एवं अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों से पास की जानकारी करें, नहीं पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई करें। इतना ही नहीं, एसडीएम सुबह से ही नगर के चौक चौराहे एवं गली मोहल्लों का निरीक्षण कर जायजा लेने में लगे हैं। एसडीएम के द्वारा सुबह शाम निरीक्षण को देखकर नगर के लोग काफी तेज तर्रार सजग अधिकारी कहने से नहीं चूक रहे हैं। आपको बता दें, पहले भी लॉकडाउन हुआ था, परंतु स्थायी प्रशासन की इस तरह से व्यवस्था नहीं दिखे थे, लेकिन इस लॉकडाउन में स्थायी प्रशासन के द्वारा चौक चौबन व्यवस्था देखने को मिल रहा है। एसडीएम और एसडीओपी व थाना प्रभारी दल बल के साथ सभी बैरिकेड्स पर निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं नगर के चौक चौराहे पर पैनी नजर रखने के लिए राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, नगर पालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात किया गया है, जिसके फलस्वरूप जबरदस्त सन्नाटा देखा जा रहा है। चांपा नगर में इतना सन्नाटा कभी नहीं देखा गया, जितना सन्नाटा इस लॉकडाउन में दिख रहा है। एसडीएम सुभाष राज के द्वारा सभी व्यक्तियों से अपील की जा रही है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घर से ना निकले। जिला मजिस्ट्रेट जिला जांजगीर चांपा के द्वारा दिनांक 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक जिले के समस्त नगरीय निकायों में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, और इसी अनुक्रम में आज चांपा नगर पालिका अंतर्गत जितने भी हमारे जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट थे, उन सभी को सील किया गया है, सभी बैरिकेटिंग की गई है। राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, नगर पालिका के कर्मचारी और दूसरे विभागों के भी कर्मचारी सभी ड्यूटी पे तैनात हैं। सवेरे 6 बजे से ही सारे लोग अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पे हैं, और जो भी लोग बिना कारण के जो इधर उधर घूम रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि लोगों के लिए जो अनिवार्य सुविधाएं हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा है, किसी को अगर मेडिसिन चाहिए और कोई ज़रूरी चीज़ है, तो वो उस पर कोई बाधा मत हो। एक जिले से दूसरे जिले अगर किन्हीं को जाना है, तो अंतर जिले अगर उनके पास पास है, तो उनको जाने की अनुमति दी जा रही है। जी सर, आज कितने लोगों के ऊपर क्या क्या कार्रवाई की? चौक में जहाँ भी लोग अकारण ही घूमते हुए मिले हैं, उनके ऊपर एमवी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। लोगों को वहाँ पे रोक के उठक बैठक भी कराया गया है, और कल से जो है चालानी कार्रवाई भी उनके ऊपर की जाएगी। सख्ती से राम नारायण गौतम की रिपोर्ट, ACN 24।